अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, सेकंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड द थर्ड लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। आपने 7th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे हम नया फॉर्मूला पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का के लिए, दैट इज हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एस ए बी और सी हमारे पास क्या है, ए बी और सी हमारी तीनों लेंथ्स हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, जबकि S यहाँ पे हमारा तीनों लेंथ्स को ऐड करने के बाद उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हाफ ऑफ द ट्राइंगल्स पेरीमीटर। ठीक है जी, S रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ ऑफ द ट्राइंगल्स पेरीमीटर। तीनों साइड्स की मेजरमेंट को ऐड करके आपने 2 से डिवाइड करना है, आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी। अब हीरोज फार्मूला के ज़रिए से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ए बी सी तीनों लेंथ्स होनी चाहिए। अब हमारे पास उन्होंने हमें सिर्फ 3 लेंथ्स दी हुई हैं, उनके नेम मेंशन नहीं किए हुए हैं, इसीलिए हम खुद इसको बोलेंगे लेट ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन C इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ S। S इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है जी, 5 सेंटीमीटर प्लस B की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर प्लस C की वैल्यू है आपके पास 13 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड करें, 25, 12 एंड 13 को ऐड करें, 25, 25 में 5 को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमने हीरोज फार्मूला के जरिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए वैल्यूज पुट करनी है हाफ ऑफ पेरीमीटर की और साइड्स की। S की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, नेक्स्ट ब्रैकेट में 15 माइनस A की वैल्यू थी आपके पास 5, 15 माइनस B की वैल्यू थी हमारे पास 12, नेक्स्ट 15 माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास 13। अब इन सबको सॉल्व करें, 15 माइनस 5 10, नेक्स्ट 15 माइनस 12 3, नेक्स्ट 15 माइनस 13 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 10 150, 3 मल्टीप्लाई 2 6, इनको मल्टीप्लाई करें, 150 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 900 सेंटीमीटर इसकी पावर 4। 4 हमारे पास कहाँ से आया जी, S हमारे पास क्या था, हाफ ऑफ ट्राइंगल्स पैरामीटर, एक यूनिट आपका इसका था सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 फर्स्ट लेंथ ये भी सेंटीमीटर में थी, यहाँ पे 3 के साथ बी यानी सेकेंड लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर थी इसका यूनिट और यहाँ इसका यूनिट भी सेंटीमीटर था, तो 4 टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर्स ऐड होकर आपके पास आ जाएंगी सेंटीमीटर की पावर 4 और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसी पैटर्न पे 8th क्लास आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।